नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू के भजिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 आलू लिए हैं, 1 कप बेसन, 1 गिलास पानी, 1 चुटकी हींग, 1 नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच तेल, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें बेसन डालेंगे और सभी सूखे मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे। एक चुटकी हींग डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद हम नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें कलर के लिए हल्दी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 चुटकी हल्दी लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। हमें इसे अच्छी तरह से हाथों से फेंटना है ताकि यह फूल कर अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए। देखिए, इस प्रकार से फेंटना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इस प्रकार फेंटना है। देखिए, मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए, बैटर इस प्रकार का होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और हमने बैटर को इतना फेंटा है ताकि इसमें से बबल निकल आए। हमने यहाँ पर ना सोडा का उपयोग किया है, ना ही बेकिंग पाउडर का उपयोग किया है। देखिए, बबल निकल आए हैं। अब हम इसे ढककर 5 मिनट रख देंगे ताकि पकौड़े अच्छे बने। देखिए, हमने आलूओं को इस प्रकार काटा है। देखिए, हमने आलूओं को मीडियम काटा है, हमने ज़्यादा मोटा नहीं काटा है। यदि हम मोटा काटेंगे तो तलते समय आलू कच्चे रह जाएंगे। देखिए, अब हम आलूओं को अच्छी तरह से धुल लेंगे। अब हम 5 मिनट बाद बेसन को खोल कर देखेंगे। बेसन अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसमें कटे हुए आलूओं को डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, बेसन में अच्छी तरह से आलू मिल चुका है। अब हम तल लेंगे इसे। मैंने यहाँ तेल गर्म करने रख दिया था। अब हम एक एक करके इसे तल लेंगे। हमें तेल को मीडियम आंच पर रखना है और देखिए, हम इस प्रकार से एक एक करके डालेंगे और इसे तल लेंगे। बरसात में गर्मा गर्म भजिया खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब हम इसे पलटते हुए तल लेंगे। देखिए, आलू के भजियों में अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, आलू के भजिए तलकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम सभी आलूओं के भजियों को तल लेंगे। देखिए,
देखिए आलू के भुजिया बनकर तैयार है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।